मॉस्किटोनेटिक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है मलेरिया या डेंगू जैसे मच्छरों के लिए, बट बहुत सारे लोगों को कुछ महीने बाद ही कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे उनके मॉस्किटोनेट्स में काफी सारे होल्स आ जाते हैं या फिर उनकी नेट की जिप जो है वो खराब हो जाती है। तो फिकर मत कीजिए, मैं आज इंडिया के टॉप 4 मॉस्किटोनेट्स को यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ और उनके साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट भी करूंगा, जैसे कि नेट जूम टेस्ट, नेट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट एंड नेट ईज ऑफ यूज टेस्ट। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सारी ही रिकमेंडेशंस कम्प्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये सारी हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन है जो हमने सारे टेस्ट परफॉर्म किए हैं उनके बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने जो 4 नेट के ब्रांड्स लिए हैं ये इनकी ग्रेट रेटिंग्स और गुड रिव्यूज की वजह से लिए हैं, और ये 4 ब्रांड्स है क्लासिक, गुड नाइट, हेल्जिनी एंड ओडोमॉस। ये सारे नेट देखने में काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं, बट जब हम इनकी डिटेलिंग में गए तब इनके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस था उनकी नेट क्वालिटी के बेसिस पे, उनकी जिप क्वालिटी के बेसिस पे और उनके ईज ऑफ यूज के बेसिस पे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नेट क्वालिटी की। तो यूजुअली नेट की क्वालिटी उसके अंदर कितने थ्रेड्स यूज हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो जितना ज्यादा थ्रेड का काउंट होगा उतनी ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी। तो ये चीज देखने के लिए हमने चारों ही नेट को माइक्रो जूम किया उसके थ्रेड लेवल तक, ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर कितनी थ्रेड्स यूज हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्जिन नेट के अंदर सिर्फ एक सिंगल थ्रेड डिजाइन यूज हुआ है, और यहाँ पे गुड नाइट और ओडोमॉस नेट के अंदर एक डबल थ्रेडेड डिजाइन यूज हुआ है, और यहाँ पे अगर हम क्लासिक की नेट चेक करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल थ्रेडेड डिजाइन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्लासिक नेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी नेट क्वालिटी के अंदर उसके ट्रिपल थ्रेड डिजाइन की वजह से, एंड उसके बाद गुड नाइट नेट एंड ओडोमॉस नेट काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि उसके अंदर भी आपको एक डबल थ्रेडेड डिजाइन मिलता है। बट यहाँ पे हेल्जिनी नेट शायद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो अदर नेट से कंपैरिजन में, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ एक सिंगल थ्रेड डिजाइन मिलता है। तो इसके बाद सभी नेट की स्ट्रेंथ को वेरीफाई करने के लिए हमने इसके साथ एक स्क्रैच टेस्ट भी किया। तो इस टेस्ट के अंदर हमने सभी नेट को 10 बार इस नाइफ की टिप से स्क्रैच किया एक ही एरिया पर, उन नेट्स की ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो जब हमने टेस्ट को स्टार्ट किया तो सारे ही नेट एक अच्छी कंडीशन में दिख रहे थे 4 से 5 स्क्रैच के बाद, बट उसके इमीडिएट बाद हमने नोटिस किया कि हेल्जिनी नेट थोड़ा सा कट होना शुरू हो गया है एक जगह से, हालांकि बाकी सारे नेट की कंडीशन फिर भी ठीक थी एक थोड़े बहुत थ्रेड पुल्स के अलावा उस टेस्ट के एंड तक। तो इस टेस्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद हम कह सकते हैं कि क्लासिक का ट्रिपल थ्रेड डिजाइन और गुड नाइट एंड ओडोमॉस का डबल थ्रेड डिजाइन ने टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया, पर हेल्जिनी का नेट यहाँ पे टेस्ट को पास नहीं कर पाया क्योंकि उसके अंदर एक सिर्फ सिंगल थ्रेड डिजाइन था। तो इसके बाद हमने ईज ऑफ यूज को टेस्ट करने के लिए सारे नेट्स की जिप को 4 से 5 बार ओपन और क्लोज किया, ये देखने के लिए कि वो सिर्फ एक हाथ से कितना स्मूथली फंक्शन कर रही है। तो सबसे पहले हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया ओडोमॉस नेट के साथ, जिसके अंदर हमने इसकी जिप को 5 बार ओपन और क्लोज किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेट कितना स्मूथली ओपन और क्लोज हो रहा है। तो इस नेट ने 5 बार काफी अच्छा परफॉर्म किया, एक बार भी बीच में स्टक हुए बगैर। उसके बाद हमने ये सेम टेस्ट क्लासिक नेट के साथ किया। और यहां पे आप देख सकते हैं जब हमने इस टेस्ट को 5 बार परफॉर्म किया तो ये नेट की जिप बीच में काफी बार स्टक हुई, जो कि ओडोमॉस नेट के मुकाबले इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं थी। उसके बाद फिर हमने ये टेस्ट हेल्जिनी नेट के साथ परफॉर्म किया। तो यहां पे हमने ये नेट को 5 बार जब टेस्ट किया कि ये काफी ज्यादा बारी स्टक हुआ इवन क्लासिक नेट के मुकाबले, तो इस नेट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पुअर थी। तो फाइनली हमने ये टेस्ट गुड नाइट नेट के साथ किया और ये नेट भी काफी ज्यादा स्मूथ था ओपनिंग और क्लोजिंग करते हुए, क्योंकि इसकी जिप क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और ये नेट सिर्फ बीच में एक ही बार स्टक हुआ। तो इस टेस्ट के अंदर ओडोमॉस नेट ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद गुड नाइट नेट और क्लासिक नेट ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट यहाँ पे हेल्जिनी नेट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पुअर रही। उसके बाद हमने इन नेट्स को उनके एक्स्ट्रा फीचर्स के बेसिस पे भी कंपेयर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड नाइट नेट और ओडोमॉस नेट के साथ आपको ये मोबाइल पॉकेट मिलती है नेट की दोनों ही साइड पे, जिसमें स्पेशली आपको ये जिप मिलती है जिसके अंदर से आप चार्जिंग वायर को अंदर ला सकते हैं मोबाइल को रात में चार्ज करने के लिए, और ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल लगता है जब आप रात को सो रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने मोबाइल को कभी भी चेक कर सकते हैं बिना जिप को ओपन या क्लोज किए। चलिए अब हम सारे टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले नेट क्वालिटी की।
तो इनमें से गुड नाइट और ओडोमॉस नेट क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि इन दोनों के साथ ही आपको डबल थ्रेडेड डिजाइन मिलता है और दोनों ही नेट ने स्क्रैच टेस्ट के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट अगर हम क्लासिक नेट की बात करें तो इसकी नेट क्वालिटी सबसे ज्यादा बेस्ट थी क्योंकि इसके साथ आपको ट्रिपल थ्रेडेड डिजाइन मिलता है और इसने स्क्रैच टेस्ट के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और हम हेलजीनी नेट की बात करें तो उसकी क्वालिटी काफी पुअर थी क्योंकि उसके साथ सिर्फ आपको सिंगल थ्रेडेड डिजाइन मिलता है और इसने स्क्रैच टेस्ट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और अगर हम जिप क्वालिटी की बात करें तो गुड नाइट ब्रांड की जिप सबसे ज्यादा बेस्ट थी बाकी सारी जिप के कंपैरिजन में और इन जिप की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। और अगर हम हेलजीनी और ओडोमॉस ब्रांड की बात करें तो उनकी जिप क्वालिटी भी काफी अच्छी थी बट उतनी नहीं जितनी गुड नाइट नेट की थी। और अगर हम क्लासिक नेट की बात करें तो उसकी जिप क्वालिटी काफी ज्यादा पुअर थी और उसकी एक जिप काफी आसानी से बाहर आ गई थी उसकी जिप क्वालिटी का टेस्ट करते हुए। चलिए हम बात करते हैं स्टिचिंग क्वालिटी की, तो इसके अंदर गुड नाइट ओडोमॉस और हेलजीनी की स्टिचिंग क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि इसके स्टिचेस काफी सिक्योरली और टाइटली स्टिच थे। पर यहाँ पे अगर हम क्लासिक नेट की बात करें तो उसकी स्टिचिंग क्वालिटी काफी एवरेज थी क्योंकि उसकी स्टिचिंग के बीच में गैप्स काफी ज्यादा थे और उसके अंदर हमको थोड़ी लूज स्टिचिंग भी देखने को मिली। और नेक्स्ट अगर हम जिप की ईज ऑफ यूज की बात करें तो गुड नाइट और ओडोमॉस ओपन और क्लोज करते टाइम काफी ज्यादा स्मूथ थी बट अगर हम क्लासिक नेट की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि उसकी जिप बीच बीच में थोड़ी बहुत स्टक हो रही थी मोस्टली इसकी पुअर जिप क्वालिटी की वजह से। और यहाँ पे अगर हम हेलजीनी की बात करें तो वो ईज ऑफ यूज में काफी ज्यादा एवरेज थी क्योंकि वो ओपन और क्लोज करते टाइम काफी ज्यादा बार स्टक हो रही थी। तो इन सारी टेस्ट की पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बाद मेरी पहली रिकमेंडेशन आपको गुड नाइट ब्रांड की होगी क्योंकि ये नेट काफी ज्यादा अच्छा था उसकी जिप क्वालिटी में, उसकी स्टिचिंग क्वालिटी में और उसकी ईज ऑफ यूज में और इवन उसकी नेट क्वालिटी भी अच्छी थी। और यहाँ पे मेरी सेकंड रिकमेंडेशन आपको ओडोमॉस ब्रांड की होगी क्योंकि वो स्टिचिंग क्वालिटी और ईज ऑफ यूज के अंदर काफी ज्यादा अच्छा था और उसकी नेट क्वालिटी एंड जिप क्वालिटी भी अच्छी थी। और यहाँ पे मेरी थर्ड और फाइनल रिकमेंडेशन होगी आपको क्लासिक नेट बिकॉज इसकी नेट क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी थी बाकी सारे नेट के कंपैरिजन में बट इसके बाकी फीचर्स थोड़े एवरेज थे। तो यहाँ पे हम सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करते हैं उनकी टेस्टिंग पर जिससे आप एक अच्छा बाइंग डिसीजन ले पाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमको और ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई जरूर करूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।